शुक्रवार को गांधी वन क्षेत्र कांग्रेस कार्यालय में 133वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद हर कांग्रेस कार्यकर्ता के चेहरे पर खुशी अलग ही झलक रही है। इसी क्रम में कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं द्वारा स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं को शपथ भी दिलाई गई। जानकारी देते हुए कार्यकारी अध्यक्ष विनय बाकलीवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री कमलनाथ जी द्वारा जो घोषणाएं गरीबों के लिए की गई है वह काफी सराहनीय है, इसके लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। उन्होंने कहा कि जो प्रदेश में सरकार बनी है उसके पीछे कार्यकर्ताओं ने काफी मेहनत की है, वह आने वाले लोकसभा चुनाव में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार नजर आएगी। कांग्रेस स्थापना दिवस पर मैं सभी को अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, ढेर सारी बधाई देता हूं। आज बड़े जोर शोर से हम यहां पर अब कांग्रेस का स्थापना दिवस मना रहे हैं। आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जन एकजुट होकर लोकसभा चुनाव में भी भारत दिल्ली में भी हमारी सरकार बनाएंगे। और राहुल गांधी जी, हमने आज यहाँ संकल्प लेंगे, अभी शपथ लेने वाले हैं कि आने वाले समय में राहुल गांधी जी हमारे प्रदेश के प्रधानमंत्री बने। दूसरा, मैं माननीय हमारी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, माननीय कमलनाथ जी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ, मुख्यमंत्री जी के, कि जिन्होंने मुख्यमंत्री बनते से सबसे पहले किसान कर्ज योजना, किसानों को कर्ज माफ़ किया। दूसरा, बालिकाओं के जो शादियां थी, बालिकाओं के जो ब्याह होते थे उनके लिए जो 31,000 की राशि को 51,000 किया। तीसरा, जो पेंशन वृद्ध पेंशन राशि थी 300 रुपये को लेकर उन्हें 1,000 किया। इन सब के लिए मैं उनको ढेर सारी बधाई देता हूँ। और सभी कांग्रेस जन से आह्वान करता हूँ कि वो जन जन तक ये जो घोषणा हुई और जो लाभ पहुँच रहा है जनता को, वो जन जन तक पहुँचाए। और आने वाले स्थापना दिवस पर सभी कार्यकर्ताओं में अलग ही जोश नजर आ रहा था।